आम तौर पर जब शिव निवास स्थान की चर्चा होती है तो हमारा ध्यान कैलाश पर्वत या मंदरांचल पर्वत की तरफ जाता है, लेकिन दुमका जिला के बासुकीनाथ में इस समय भगवान शिव शंकर के पातालवासी होने की चर्चा जोरों पर है। वैसे तो बासुकीनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश लिंग को लेकर प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस समय ऐसा ही एक दूसरा शिवलिंग यहाँ के शिवगंगा के अंदर से प्रकट हुआ है, जिसे लोग पाताल शिवलिंग बता रहे हैं। महाकाल शिवलिंग को देखने और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में देश के विभिन्न स्थानों से लोग बासुकीनाथ आ रहे हैं। नागेश्वरलिंग के साथ लोग इस पाताल शिवलिंग की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने आप को धनधान्य मान रहे हैं। दरअसल इस समय बासुकीनाथ में शिवगंगा की सफाई का काम चल रहा है। शिवगंगा को सफाई कार्य के लिए पिछले कुछ दिनों से सरोवर को सुखाकर सफाई की जा रही है। कठोर परिश्रम के बाद जब कुंड के कीचड़ की सफाई हुई तो भक्तों को पाताल बाबा के दर्शन हुए। भक्तों को करीब 7 वर्षों के बाद पाताल महादेव के दर्शन हुए। बता दें कि शिवलिंग के साथ ही यहाँ एक त्रिशूल भी है। इसकी खासियत यह है कि लकड़ी और लोहे से बने होने और लंबे समय तक शिवगंगा के जल के अंदर रहने के बावजूद ये खड़ाव और त्रिशूल न तो सड़ा और न ही जंग लग कर नष्ट हुआ। पाताल महादेव और इसको घेरे रखने वाली चट्टान भी यथावत है। पाताल महादेव को लेकर इस विस्मयकारी बातों से लोगों के मन में इस पाताल महादेव को लेकर श्रद्धा और विश्वास की भावना और ज्यादा प्रबल हो जाती है। इससे पहले कि शिवगंगा में जल भरने से पाताल महादेव फिर से जल समाधि ले ले, लोग कम से कम एक बार यहां आकर पाताल महादेव की पूजा अर्चना कर लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बाबा बासुकीनाथ की जय, हर हर महादेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पाताल महादेव जो निकले हैं, ये 9 साल के बाद निकले हैं, 7 साल के बाद ये आज निकले हैं। आज देखिए 10-12 गांव का भीड़ यहाँ पर है। दोनों मंदिर में आप देख सकते हैं कि जनसंख्या बराबर के बराबर है, पूरा भीड़ अत्यधिक भीड़ है। पाताल देख बाबा को देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में आदमी आए हुए हैं, श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और देखेंगे कि आपकी 10 गाँव के लोग पूरे पाताल लोक में पाताल बाबा का पूजा कर रहे हैं। बाबा फौजदारी बाबा बाबा वासीनाथ का पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभी दो दो बाबा का पूजा वासीनाथ में चल रहा है। वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने जब 3 पग भूमि मांगकर राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया था, तब उन्होंने बलि से पाताल लोक में रहने के साथ एक वरदान मांगने की बात कही थी। इस पर बलि ने मांगा था कि आप हमेशा मेरे सामने रहे, और इस तरह से भगवान विष्णु लंबे समय तक पातालवासी हो गए थे। लेकिन शिव के पातालवासी होने की चर्चा आमतौर पर धार्मिक ग्रंथों में नहीं है। इसके बावजूद बासुकीनाथ के शिवगंगा से निकले पाताल महादेव को लेकर लोगों की भक्ति भावना में जरा सी भी कमी नहीं है और भक्तों की भारी भीड़ यहां पूजा अर्चना के लिए उमड़ रही है। वामन के वेश में जब भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगकर और बलि को एक प्रकार से निराश्रय कर दिया और तब उन्हें पाताल में जाकर रहने की बात कही और साथ ही साथ एक वरदान मांगने की भी बात कही, इस पर बलि ने यह मांग लिया कि आप हमेशा मेरे सम्मुख रहें, और प्रकार से वामनधारी भगवान विष्णु लंबे समय तक पातालवासी हो गए थे, क्योंकि बलि के सम्मुख रहने के लिए उनका पाताल में रहना अनिवार्य हो गया था। लेकिन शिव के पाताल लोक में रहने की चर्चा आमतौर पर किसी धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलती है। बावजूद इसके बासुकीनाथ में निकले हुए पाताल महादेव को लेकर यहाँ के लोगों की भक्ति भावना में जरा सी भी कमी नहीं है और वे यहाँ आकर कम से कम एक बार तो बाबा पाताल महादेव का दर्शन और पूजन कर लेना चाहते हैं। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।